नमस्ते बेटा। आगे बेटा, आज का स्कूल कैसा रहा बेटा? बहुत बढ़िया मम्मी, इस बार भी टॉप कर दी। बहुत अच्छे बेटा। अच्छा ऐसा करो, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ, खाना खाओ। मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आ गया? हाँ अभी भूख लगी है, कुछ खा दो। हाँ बेटा, हाँ चिपली का से मिले आगे मेरे से। हाँ ये तो आगे बेटा, जल्दी आ गई थी। चलो अभी कुछ देर। चलो दोनों दो मैं अपना ही खाना खाओ, हाथ मुंह धो के। ठीक है। मम्मी नमस्ते। लेटर हो गया? हाँ बेटा, सो गई थी। तभी ठीक है? हाँ ठीक है बेटा। मम्मी और टीचर आज दिन बोल रहे थे फीस जमा करने के लिए। बेटा मेरे पास फीस है नहीं, कहाँ से दो? मम्मी कल जमा करनी है, कल पैसे भी करनी पड़ेगी, नहीं तो उस पोछे नाम काट देगी। अच्छा सोचती हूँ बेटा कहीं से करूंगी। भूख लग रही है, चलो खाना खा ले। हाँ बेटा खाना खा ले, तब तक हाथ मुंह धो ले, खाना खा ले। ठीक है। अच्छा बेटा, राकेश को भी देनी है फीस, तेरे को देनी है। ठीक है बेटा, करती हूँ फीस। क्या कर रही हो अभी? चिपली आज ही पढ़ेगा ये, क्या पढ़ रही है? किताब के डे इधर खड़ी तुम चाय बना मेरी। चल ना, तो इसको देखो अपने दम करने आ गया। लेटर तो पढ़ता है नहीं, मुझे नहीं पढ़ने देता। वहां पटली बैठ गई। चल नहीं, मुझे नहीं पढ़ने। अरे यार मम्मी चाय बना दे यार, थक गया मैं। अकेश शरारत मत कर, मम्मी मानती नहीं है, देख लो तेरी यही आदत हमेशा की। मैं लेट टाइम में थक गया, मैं चाय बना दूं मेरे लिए। मैं पहले ही टेंशन में हूं बहुत। हां कोई नहीं, टेंशन चलती रहती। कुछ नहीं बेटा, सुबह से ही परेशान लग रहे हो। कोई बात है, कोई परेशानी है? परेशानी तो बेटा तेरे पापा के जाने के बाद परेशानी ही है। कोई बात नहीं मम्मी, क्या हो गया? घर चलाना मुश्किल हो रखा है बेटा, रिश्तेदार कब तक सहारा देंगे? सिलाई करके थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, उसमें कोई गुजारा नहीं होता। भगवान है ना, कुछ ना कुछ तो राह जरूर दिखाएगा। मैं तो हूँ ही हमेशा। इसकी टेंशन रहती है बेटा बच्चों की, कोई ना कोई। आप टेंशन मत लो, चलो आप सो जाओ। सो जाओ, कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। ठीक है बेटा, सो जाओ। मम्मी अपना हाथ धो इधर, ये लो मम्मी। सुमन ये कहाँ से आए? मम्मी ये पैसे मैं स्वीटी से लेके आई हूँ। क्यों? आपने इसको रखो अभी फिलहाल, राकेश की फीस दे दो,
जब हमारे पास पैसे होंगे तो उसको वापस कर देंगे स्वीटी को। बेटा उसके हमें देने भी हैं। फिलहाल के लिए तो अभी उसकी फीस दो ना। टेंशन की बात तो है बेटा, ये बड़ी मुश्किल है देना मेरे को। मम्मी आप रखो दो, ये मैं अपने आप उससे बात कर लूंगी। आप ये पैसे रखो, ये मैं स्वीटी से लेके आई हूँ, उसकी मम्मी से बात हो गई। ठीक है मम्मी। हाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही बेटा। नमस्ते। नमस्ते। हाँ इतना खुश क्यों हुआ आज? आज एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। अच्छा। हर बार चिपली टॉप करती है ना। हाँ। अब बच्चे ना बेटा करेगा। अच्छा बहुत अच्छे शाबाश। चल ठीक है मैं कुछ पढ़ाने जा। हाँ ठीक है बेटा बैठ, मैं पानी लेकर। तो जवाब कैसे गए? बढ़िया। अब की बार टॉप पता कौन करेगा? तू। अब की बार ठीक है बेटी, बैग में पानी लेकर आती हूँ। कैसा रहा आज का एग्जाम? बढ़िया था एग्जाम। टॉपर? हर बार टॉपर आती है, अब की बार फिर से टॉपर आना है। ठीक है शाबाश बेटी। पास हो गया तेरा लड़का? अच्छा पास ही पास हुआ, क्या टॉपर भी आएगा? सेकंड डिवीजन आई। सेकंड आई है? सुमन सब टॉपर आती है। क्या हुआ? है? सुमन फेल हो गई? ये कैसे हो सकता है? पढ़ाई नहीं की उसने? मेरी बेटी फेल कैसे हो गई? हर बार तो टॉप करती थी। कुछ तो बात है, मैं उसके स्कूल में जाकर ही पता करती हूँ। मास्टर जी मेरी बेटी फेल कैसे हो गई? आपकी बेटी को हमारे विद्यालय में आए काफी दिन हो चुके हैं और आपकी बेटिया का नाम कट चुका है। घर से तो वो डेली आती थी। वो हमारे यहाँ नहीं आती, उसके लिए जिम्मेदार। अच्छा ठीक है मास्टर जी, ठीक। से बंधवाओगी मरती रही कोख की हर बेटी, तो बहू कहां से लाओगी? बेटी हो तो ऐसी मम्मी, बहन हो तो ऐसी। कभी खुशी कभी गम। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते और उनके अटूट प्यार का प्रतीक होता है। किसी बहन के उसके भाई के प्रति
प्यार की कोई सीमा नहीं होती। भाई भले ही अपनी बहन को बुला सकता है, मगर एक बहन अपने भाई के लिए हर खुशी का त्याग बिना कुछ सोचे समझे कर सकती है। तो इस पवित्र प्यार के नाम हम शपथ लेते हैं दोस्तों कि हम अपनी बहन की रक्षा तो करेंगे ही करेंगे, उसी के साथ दूसरों की बहनों की इज्जत और रक्षा भी हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज से और अभी से। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर भी करें, घंटा जरूर बजाएं, और दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।